जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को यहां जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत 2 नवंबर 2018 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2018 को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्र को संवीक्षा 12 नवंबर 2018 को प्रातः 11 बजे होगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2018 को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। मतदान 28 नवंबर 2018 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 11 दिसंबर 2018 को की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए की निष्पक्ष राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए की निष्पक्ष राशि जमा करनी होगी। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आर के चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शंकर लाल सिंह गाड़े, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग ऑफिसर धार श्री वीरेंद्र कटारे, मास्टर ट्रेनर्स, पत्रकारगण उपस्थित थे। किया है उसके अनुसार 2 नवंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नाम निर्देशन पत्र दिए जाने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में आज हमने सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी है। नाम निर्देशन पत्र जो भरे जाएंगे उन्हें जो शपथ पत्र भरने हैं, जो आपराधिक प्रकरणों का विवरण देना है और बाकी जो भी बातें हैं उसके बारे में चुनाव आयोग के जो नए निर्देश हैं सभी राजनीतिक दलों को हमने जानकारी दी। धार जिले के सभी 7 विधानसभाओं में हम मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें हम युवा मतदाता, महिला मतदाता, जो PWD वोटर्स हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उन सभी के पास तक पहुंच रहे हैं, उनको मतदान की हम शपथ दिला रहे हैं। कुछ जगह हमें इस तरह के छोटे छोटे विषय आ रहे हैं जहां उनकी कुछ लोकल लेवल की कुछ इस तरह की बातें हैं, उनको यही समझाइश देने की कोशिश की जा रही है कि मताधिकार एक आपका ऐसा संवैधानिक अधिकार है जिसे आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेवारी है, हमारा अधिकार भी है। तो जहां भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं हम उनसे व्यक्तिगत चर्चा करके उनके जो भी शंकाएं हैं उनको समाधान करके उनको आग्रह कर रहे हैं कि मतदान।